जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी स्टूडेंट्स मैं आपके साथ मीन शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, तो मीन आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि एक्स है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो जो ब्रैकेट में होता है वो लिखते हैं साथ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व करना है, देखें ज़रा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। जी अब यहाँ पे x की जगह पे तो हम x लिख लेंगे और साथ जो f ऑफ x था उसकी जगह हमने पूरा फंक्शन लिखा। फंक्शन आपको पता ना 1/√2π σ वो इधर ही था बेसिकली, लेकिन वो बाहर हमने लिख लिया क्योंकि उसमें x इन्वॉल्व नहीं है, हम बाहर लिख सकते हैं। वो बाहर लिख दिया और e की पावर -1/2x - μ/σ2, वही जो फंक्शन है आपके साथ अभी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन डी एक्स। अब सेम पैटर्न पे उधर भी हमने ये किया था कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मी और सिग्मा किया था, यानी कि इसको हमने जेड बना दिया था, इसको जेड बना दिया। तो इस तरह से ये सिग्मा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस म्यू इधर है, इधर आके प्लस म्यू हो जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर हमें पुट करना चाहें, जैसे यहाँ पे हमने पुट करनी है, इसकी जगह पे तो हमने जेड लिख लेना, लेकिन इस एक्स की जगह पे क्या करेंगे, तो वो एक्स की वैल्यू भी हमें सेपरेटली चाहिए, वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे डी अप्लाई करें, इधर भी डी अप्लाई करें और इस पे भी, कुछ प्लस माइनस हो उसको तो जीरो कर देगा, कुछ मल्टीप्लाई है वो एज इट इज सिग्मा आ जाएगा और साथ डी जेड, ठीक है। ये यूज़ होगा, ये यूज़ होगा और ये तीनों यूज़ होंगे। तो इस फंक्शन में जो हमारे पास ये फंक्शन था, इसमें आप पुट कर लें एक्स की जगह पे ये, एक्स की जगह पे ये पुट कर लें म्यू प्लस जेड सिग्मा और e की पावर -1/2 उधर z पुट कर लें और साथ ये जो dx है dx की जगह पे सिग्मा dz पुट कर लें, dz इधर आ जाएगा सिग्मा बाहर आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल और आपके पास अब देखें अब क्या करना है, 1/√2π रह गया ना और अंदर ये है, तो ये चूँकि दो चीज़ों को मिल के ये बना हुआ है ना, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि जो मल्टीप्लाई है एक बार इसके साथ कर लें, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ कर लें, तो एक इंटीग्रेशन के बजाय ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगी और ये भी दोनों के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन म्यू इंटू दिस वन, तो म्यू तो कॉन्स्टेंट था वो इंटीग्रेशन से बाहर ही आ गया, म्यू ओवर √2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इस जगह पे ये मल्टीप्लाई आके हुआ, ये आ गया dz। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले ये लिखेंगे सिग्मा ओवर √2π, ये तो सिग्मा सिग्मा से वैसे ही कैंसिल हो गया हुआ था ना, यहाँ पे 1/√2π है और ये वाला सिग्मा बाहर लिख लिया, तो इंटीग्रेशन z और ये वाला मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखें हमें यहाँ पे पता तो है ना कि हमने मीन को म्यू बनाना है और इसके साथ ये म्यू नज़र भी आ रहा है आपको, तो यकीनन ये दूसरे वाले को ज़ीरो करना ही करना है हमने, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसको हमने डायरेक्ट ज़ीरो लिख देना है, बजाय इसको लंबा प्रोसेस में चलाएं। क्यों इसको ज़ीरो लिखा है, क्यों, क्योंकि इसके साथ देखें यहाँ पे ये e की पावर -1/2 जेड स्क्वायर, ये एक ऑड फंक्शन है, जेड एक ऑड फंक्शन, जब यहाँ से वैल्यूज इसमें डलेंगी तो माइनस में आ जाएगा और ये ऑड फंक्शन होने की वजह से इसको हमने ज़ीरो कर दिया। समझ आई है, तब भी नहीं आई तब भी इसको हमने ज़ीरो ही करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको म्यू म्यू की फॉर्म लेके आनी है, तो ये तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो हो गया। इसी रीज़न यही है कि ये ऑड फंक्शन है। खैर अब सिर्फ ये बच गया हमारे पास ये वाला, तो अब ये जो डिवाइड 1/√2π है इसको वापस अंदर ही ले चलें, क्योंकि अंदर ये पूरा एक फंक्शन बन जाएगा, ये देखें ना 1/√2π e की पावर -1/2 z² dz, तो ये वापस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन बन गया है, जिसमें यहाँ पे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह पे z है, ठीक है, और कह लें कि यहाँ पे जो सिग्मा था उसकी जगह 1 है, क्योंकि आपको पता है ना जेड एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 1 और ये पूरा का पूरा चूँकि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, तो इसको हम 1 कह देंगे। यहाँ पे साथ लिखा भी है मैंने, इट इज़ द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1 हो गया, तो ये म्यू 1 के साथ मिलके 1 म्यू हो गया। आई होप आपको म्यू मीन की समझ आ गई है कि मीन का आंसर म्यू कैसे आया है।
अभी मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ वेरियंस ऑफ एक्स। तो वेरियंस ऑफ एक्स का तो फार्मूला आपको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू, आपको पता है ब्रैकेट में जो कुछ भी हो वो लिखना होता है साथ फंक्शन। तो आपने एज इट इज़ ये लिखा। वैसे तो आपको पता है 8th चैप्टर में जितने भी हमने वेरियंस के किए हैं उसमें हम इसको ओपन कर लेते थे और ओपन फॉर्म में, जैसे कि एक्स इंटू एक्स माइनस वन याद होगा आपको, वो करते थे। तो लेकिन इधर हमने ये ट्रिक करनी है कि हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया, साथ एफ ऑफ एक्स लिख लिया। एफ ऑफ एक्स आपको पता है कि पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, डी एक्स साथ लिख लिया। अब पुट क्या करना है, पुट जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा, यानी कि इस पूरे की जगह पे जेड पुट करना है, ठीक। और इस पे सिग्मा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी अप्लाई करना है, सिग्मा एज इट इज़ आ जाएगा, डी जेड के साथ आ जाएगा और डी एक्स के साथ आ जाएगा और मी उसको जीरो कर देगा क्योंकि वो प्लस माइनस है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब वापस हमें जाके पुटिंग करनी है। तो देखिए इसकी जगह तो z हो जाएगा, इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह ये x माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा z हो जाएगा इसकी जगह पे। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह पे सिग्मा z हो गया होल स्केयर e की पावर माइनस वन बाई टू जेड स्केयर, और डिवाइड में आपको पता है ये ऑलरेडी मौजूद था, और ये डी एक्स की जगह पे सिग्मा डी जेड आ गया, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल, और ये वाला सिग्मा इसका स्केयर होके यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय अंडर टू पाई। अब देखिए ये जेड का स्केयर है तो इसको मैं दो दफ़ा लिख सकती हूँ ना। अब ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है कि यहाँ पे किस जगह पे क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। जेड स्केयर था, उसको मैंने जेड को दो दफ़ा लिख लिया, ई की पावर माइनस वन बाई टू जेड स्केयर डी जेड। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लें आप और इंटीग्रेशन लगाएं जेड डॉट जेड ई की पावर माइनस वन बाई टू जेड स्केयर डी जेड, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। देखें एक ये फंक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ये कह लें कि ये पहला फंक्शन है और ये कह लें कि ये दूसरा फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, जो मैथ्स के लोग हैं उनको तो बड़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आती होगी, लेकिन जो मैथ्स नहीं पढ़ते उनके सामने मैं ये फंक्शन सॉल्व करती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कैसे होता है। जी, अगर ऐसी इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लिखा हो तो उसका क्या फार्मूला होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं, इधर से उठा के इधर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन ले के यहाँ पे लिखते हैं माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल ये साइन लगाते हैं इंटीग्रल, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये लिखते हैं, और साथ डी जेड लिखते हैं क्योंकि इंटीग्रल का साइन लगाया तो डी जेड लिखना है। ये आ गया। अब ये मैं आपके सामने शेयर करती हूँ इसको, ये तो क्लास एज इट इज़ यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद देखें ये पहला फंक्शन है ना, पहला फंक्शन एज इट इज़ इधर आ गया z, साथ ये मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन के साथ, मल्टीप्लाई करना है, डॉट मैंने लगा दिया, मल्टीप्लाई करना है इसकी इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, याद रखें e की पावर में कुछ भी हो ना उसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि इसकी पावर में ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस, इसकी पावर में जो है ये टू स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस टू बाई टू, ये तो ऑलरेडी मौजूद है ना, माइनस टू बाई टू जेड, ये है इसका डेरिवेटिव। तो टू बाई टू कैंसिल हो गया आपस में, तो माइनस जेड बच गया, तो ये जेड तो ऑलरेडी मौजूद है इसके साथ, तो माइनस अगर हम खुद से लगा लें, माइनस इधर भी लगा लें और एक और दफ़ा माइनस लगा लें क्योंकि ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस माइनस दो दफ़ा लगा लें तो वो हमारा इसी शक्ल में आ जाएगा। अब देखें इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, अगर मैं माइनस इधर लगा दूं तो मैं एज इट इज़ ये दोबारा लिख दूंगी तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये माइनस साथ मैंने लगा दिया और ई की पावर माइनस वन बाई टू जेड स्क्वायर एज इट इज़ वही फंक्शन मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी बताया है कि क्यों मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, बस माइनस अगर हम लगा देते तो माइनस लगाया और माइनस एक और दफ़ा लगाया, वो माइनस यहाँ पे रह गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल, ये साइन लगाया, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन क्या है, वन, जेड की डेरिवेशन है वन, यहाँ पे वन लगा दिया वन, और साथ मल्टीप्लाई करना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही जो ये है ना, यही इसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा और डी जेड, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स देख के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जो खासतौर पर मैथ्स नहीं पढ़ते उनके लिए तो, लेकिन यहाँ से ये एक दो स्टेप ही है मुश्किल, ये आप देख लें कैसे आपने करना है याद, शुरू में तो बहुत ईजी था और एंड भी इसका बस ये होने ही लगा है।
तो इसमें फिर ये आपके पास ये एक फंक्शन, एक ये फंक्शन, ये दोनों आपस में ना माइनस साइन के साथ नहीं है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा और जेड इंटू दिस वन, और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से ही आपको समझ आ गई है कि आपने कैसे इसको लेके चलना है, कि इस पूरे को आप वैसे ही ज़ीरो कर दें, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, इसमें सात जेड मौजूद है ना, तो ये इसको ज़ीरो कर दें। अब देखें ये बचा है, तो सिग्मा स्क्वायर आपको आंसर चाहिए फाइनल में, ये तो बात आपको पता ना क्या आपको सिग्मा स्क्वायर आंसर चाहिए, तो ये वन ओवर अंडर टू पाई इसको अंदर इधर ले जाएं, तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला, ये पूरा फंक्शन, इसको हम वन लिख सकते हैं। अभी आपके सामने मैंने मीन में ये किया था, ये वाला, इट इज़ द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास वन हो जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करके तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा जी। ये वेरिएंस ऑफ एक्स भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारा इस वीडियो में मीन एंड वेरिएंस मैंने डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 2 हो गए, एक यूनिटी प्रूव करने वाला और एक मीन और वेरियंस वाला, ठीक है।